क्या लाए थे जो ले जाएंगे, सब कुछ है। आज आदिल को मैंने साफ साफ बोल दिया, बाहर निकल, जब भी बोलते तुम मेरी बेल कराओ, मतलब मैं कहाँ से बेल कराओ भैया, तुम्हारी जो लड़की के साथ तुमने रंगरलिया मनाई है, जिसने तुम पे केस डाला है, तुम उसको बोलो उसको बोलो तुम, तुमने मुझे धोखा दे के उसके साथ उसको झूठे शादी के वादे किए। एक्चुअली उस आदमी की बातें नहीं करना चाहती, बकवास बात। मैंने कहा जाओ करवाओ, जब उसके साथ नैना लड़ा रहे थे, प्यार कर रहे थे, झूठे वादे शादी के कर रहे थे, उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तब नहीं सोचा, गंदे गंदे वीडियो उसके साथ बना रहे थे, तब नहीं सोचा कि एक बीवी भी है यहाँ लॉयल रहने के लिए। सारे लड़के ठीक हो गए होंगे, है ना, सारे लड़के ठीक हो गए होंगे ना। लड़कियों को धोखा नहीं देना, चिटिंग नहीं करना, थोड़ा बहुत अगर कर भी लो बाहर, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी को, गर्लफ्रेंड को जी जान से प्यार करना। आज मैं कितना रोती हूँ पता है तुम लोगों को, कितना रोती हूँ। आज अभी मैं प्रे कर रही थी कि आदिल तुम ईमानदारी से रहे होते मेरे साथ, तुमको अल्लाह ने सब दे दिया था, कुत्ते को घी हजम नहीं होता और आदिल को तरक्की हजम नहीं हुई, इतना काम कर रही थी मैं, उसको पांच पांच छह छह फिल्में दिला दी, उसको दो दो गाने दिला दिए, उसको इतने गाने आ गए, उसको लगता मुझे राखी की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास बहुत लड़कियां आ गई है। अच्छा मेरे फैंस लोग सुनो, वो कहता है कि मुझे अब राखी साउंड की जरूरत नहीं है, मेरे को जो पाना था मैंने पा लिया है। अच्छा नहीं अंजलि, सारे लड़के ऐसे नहीं होते, सारे लड़के ऐसे नहीं होते, कुछ लड़के ऐसे होते हैं। मैंने मेरे कितने अच्छे फ्रेंड है आबी, इतना अच्छे हैं, फिर देखो अभी ये फहाद, हाय फहाद, हेलो गाइस, ये बेवफा नहीं है, ये लोग बेवफा नहीं है, इतने लोग है। शादी उन्होंने की आदिल ने मुझसे, अपनी गर्लफ्रेंड को बताता ही नहीं था कि मैं शादी करी शादी करी, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे को अक्कल आ गई जल्दी, मैंने अपने शादी के जो वीडियो फोटो से जल्दी वायरल किए। आज मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे फैंस के आशीर्वाद से, मेरे खुदा के आशीर्वाद से, मेरे दोस्तों के आशीर्वाद से, मैं तो सिंगल जिंदगी काटने वाली हूँ। पता नहीं अब क्या ना, वो विश्वास है ना वो टूट गया मेरे अंदर का, मेरे अंदर की अंतर आत्मा। अब मेरी फ्रेंड राष्ट्रीय ने कसम खा ली है, तू शादी नहीं करेगी तो मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, बताओ ये पागल लड़की को समझाओ, राष्ट्रीय को नेलाट पागल को समझाओ, ऐसा थोड़ी ना भाई, हम तो शादी करके पछता रहे, हम तो खत्म हो गए शादी में, रो रो के ये देखो आंख देखो मेरी, अभी तो मैं शांत हूं। मेरा दिल करता है इस बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे आदिल को बिठा के टॉप फ्लोर पे उसको वहां से बिठा के ना, समझ गए। वैसे रमजान में बदला नहीं लेता मुझे कोई, सच बोलू अब ना मुझे उससे प्यार है ना कोई दर्द है, ये कहने के लिए दर्द तो रहता ही है, वो तो सारी जिंदगी भर रहेगा। राखी जी पीछे देखिए, राखी जी अरे
मैं दो दिन से रोजे हूँ, बस अभी रोजा खुलना है तो सुबह से मैं घर में ही रहती हूँ। पूरे इबादत खुदा ने मुझे इतने बड़े जोखिमों से बचाए हैं। और जब मैं लंदन में थी तो बस यही कह रही थी कि मैं सब लोग ने यहाँ पर डेट डिक्लेयर कर दी थी 23 की, और 23 को मुझे लैंड होना था। और मैंने कहा कि ए खुदा, मैं पहली बार मैं रोजे करना चाह रही हूँ, और कहीं ऐसा कुछ हो सकता है खुदा कि चांद थोड़ा सा लेट दिखे और 24 तारीख को हो। शायद आप लोगों को पता है कि मैं लाइव भी गई थी और मेरे दोस्त लोग ने मुझे कहा राखी गुड न्यूज है। मैंने कहा क्या? उधर राखी, जो तुमने सोचा था वैसे ही हुआ क्या? कि 24 को है रमजान, तो कल 24 और आज 25 दो दिन मेरी रमजान हुई है। रोजे हूँ, सुबह सहरी करती हूँ, रात के पूरे 5 टाइम मेरी पूरी नमाज सारी नमाज मैं पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है, और भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही है, प्यास तो बिल्कुल नहीं लग रही है। सुबह सहरी करके जो सो जाने के बाद फिर उठती हूँ, फिर सारी नमाजें, 5 नमाजें और भी दुआएं सब रहती सबके लिए। सो खुदा से यही मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे उस काबिल बनाए कि मैं कैंसर हॉस्पिटल खोल सकूँ, और मैं इतना बिजनेस करूँ कि मेरी जो जकात आती है वो जकात मैं उन गरीब लोगों को जो बिल्कुल भी हज जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हज के लिए बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरे सारे कमाई के पैसे मैं ये नियत करती हूँ कि वो मेरे सारे कमाई के पैसे मैं उनको हज कराने में लगाऊं। थैंक यू सो मच।